जब आँखें खुलें तो धरती भारत की हो, जब आँखें बंद हों तो यादें भारत की हो, हम मर भी जाएं तो गम नहीं लेकिन मरते वक्त मिट्टी भारत की हो, मरते वक्त मिट्टी भारत की हो। नमस्कार माननीय अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण, अभिभावक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ अपने भारत देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। आज़ादी के दीवानों ने खेली खून की होली थी, जान हथेली पर लेकर निकली इनकी टोली थी, ऐसे वीर सपूतों को ये देश नमन है करता, अमर हो तो मैं वीरो, वीर कभी नहीं मरता, वीर कभी नहीं मरता। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मेरा उन सभी को शत शत नमन। दरअसल 200 साल शासन करने के बाद 14 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को अंग्रेज भारत छोड़कर भागे थे और 15 अगस्त सन 1947 को हम सभी भारतवासियों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीरों ने एवं वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल एवं इनके जैसे अनेक नाम जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके कारण हम स्वतंत्र हैं। लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ, तभी तो देश आज़ाद हुआ। अधिकार मिलते नहीं लिए जाते हैं, अधिकार मिलते नहीं लिए जाते हैं, आज़ाद हैं मगर गुलामी किए जाते हैं। वंदन करो उन वीर सैनिकों का जो मौत के आंचल में जिए जाते हैं, जो मौत के आंचल में जिए जाते हैं। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हम स्वतंत्रता के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं और अपना मत रख सकते हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, पर मानसिक रूप से नहीं। आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का गुलाम बन चुका है, हम केवल उतना ही देखते हैं, उतना ही सोचते हैं और उतना ही जानते हैं जितना वो हमें बताता है। हमें अपने माता पिता और गुरुजनों से अधिक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर विश्वास होने लगा है। जो देशभक्ति की भावना साल भर हमारे दिलों में सोती रहती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी आते ही फूट फूट कर बाहर आने लगती है। तिरंगे का सम्मान हम भले ही स्वयं ना करते हों, पर दूसरों को सिखाते जरूर हैं। हमें यह जानने और समझने की आवश्यकता है कि देशभक्ति केवल इंस्टाग्राम पर रील बनाने, पोस्ट डालने, व्हाट्सएप पर फोटोज शेयर करने या स्टेटस लगाने तक ही सीमित नहीं है। देशभक्ति समर्पण की भावना है, जिसे हमें जिताने की जरूरत नहीं होती, केवल निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करने और उसका सम्मान करने में होती है। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। हमारे देश के जवान निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ छोड़कर अपने देश की सेवा करते हैं और हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज हमारा देश काफ़ी उन्नति कर चुका है, यदि ध्यान से देखा जाए तो आज भी हमें कई क्षेत्रों में सुधार एवं विकास की आवश्यकता है। हम भारत के युवा हैं और भारत का भविष्य उज्जवल बनाना हमारा कर्तव्य है। हमें यह संकल्प लेना है कि हम भारत को एक आदर्शकारी, विकसित और प्रशिक्षित एवं जागरूक राष्ट्र बनाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगी।
हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, ये आजादी कभी नहीं छिनने देंगे। तिरंगे की शान को कभी नहीं मिटने देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दुनिया नहीं देखने देंगे, उन आंखों को फिर दुनिया नहीं देखने देंगे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू दे कर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।